हाय हेलो एवरीवन होप कि सब लोग खुश हैं सेफ है अपने अपने घरों में हैं राइट right? तो आज का नॉलेज लेके आ गया हूं आज हम लोग क्या सीखेंगे जर्नल एंट्री व्हाट इज जर्नल एंट्री नथिंग इट्स रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द एंट्री विच इज मेड इज नोन एज जर्नल एंट्री क्योंकि द बुक इन विच योर रिकॉर्डिंग इज नोन एज जर्नल बुक ओके द बेसिक सबसे पहली एंट्री जिस बुक में होती है दैट इज नोन एज योर जर्नल बुक एंड द एंट्री इज जर्नल एंट्री वी ऑल नो एवरी ट्रांजेक्शन थ्री इफेक्ट्स फोर इफेक्ट्स हाउ हाउमे कितने टू वेरी गुड पहले इफेक्ट का नाम क्या है डेबिट दूसरे का क्रेडिट शाबाश मतलब सबको समझ में आया हुआ है और सबने रिवाइज भी किया हुआ है अच्छा हाँ कल का मैंने असाइनमेंट अब तक देखा नहीं है कि कितने स्कोर्स आए हैं कितने लोग को पूरा सही मिला कितने लोग को कुछ गलत मिला ओके जिनको गलत मिला वो लोग क्या करेंगे रिवाइज करेंगे अपने आप को वापस तैयार करेंगे बेसिक्स के साथ फुल एकदम पक्का क्लियर ओके सो एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट ठीक है नो no प्रॉब्लम क्यों टू इफेक्ट्स है क्योंकि टू अकाउंट्स है करेक्ट जहां पे मेरी इनकम आप लोग का एक्सपेंस जहां पे मेरा एक्सपेंस आप लोग का इनकम याद है उस दिन पे कहा था मैंने यू कैन लिसन टू द स्लाइड एंड देन यू कैन अगेन रिवाइज इट सो दोस्तू अकाउंट आर टू बी कंसिडर्ड फॉर एवरी ट्रांजेक्शन वन इज डेबिट वन इज क्रेडिट करेक्ट थोड़ा सा हम लोग ट्रांजेक्शन ले रहे थे मैंने एक ट्रांजेक्शन दिए हुए स्लाइड नंबर थ्री पे आप लोग उसको देख सकते हो लाइन से हम लोग के पास बारह ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज ऑन कैश रुपीज टेन थाउजेंड गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर मैथ्यू रुपीज एटी थाउजेंड पेड वेजेस रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड गुड्स सोल्ड ऑन कैश रुपीज फोर्टी थाउजेंड गुड्स सोल्ड टू मिस्टर जॉन रुपीज वन लैख रेंट पेड रुपीज थाउजेंड इंश्योरेंस पेड रुपीज एट थाउजेंड परचेज मशीनरी रुपीज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एंड पेड बाई बेक कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर जॉन कैश पेड टू मिस्टर मैथ्यू डेप्रीसी चार्ज ऑन मशीनरी रुपीज ट्वेंटी फाइव थाउज टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रिसीव कमीशन रुपीज फाइव थाउजेंड राइट ठीक है अब गुड्स परचेज ऑन कैश सबसे पहला कोई भी एंट्री बनाते वक्त आपको क्या सोचना है विच आर द टू थिंग्स और टू अकाउंट्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन गुड्स परचेज ऑन कैश तो यहां पे कौन है दोन गुड्स और कैश वेरी गुड गुड्स परचेस किया तो परचे गुड्स इट्स योर रियल पर्सनल और नॉमिनल रियल शाबाश कैश दिखता है छू सकते ओके रियल शाबाश तो गुड्स भी रियल और कैश भी रियल रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है डेबिट वॉट कम्स इन क्रेडिट वॉट गोज आउट राइट तो यू कैन सी द आंसर के डेबिट में क्या गया गुड्स में और सेकेंड अकाउंट का क्रेडिट अच्छा गुड्स परचेस फ्रॉम मिस्टर मैथ्यू रुपीज एटी थाउजेंड गुड्स परचेस परचेस बोले तो गुड्स ओके नो प्रॉब्लम फ्रॉम मिस्टर मैथ्यू फ्रॉम मिस्टर मैथ्यू बोला है तो क्या कैश पे है ऑब्वियसली नॉट इट इज ऑन क्रेडिट तो व्हाट आर द टू अकाउंट्स दैट वी हैव गुड्स एंड मिस्टर मैथ्यू ना गुड्स इज योर रियल पर्सनल और नॉमिनल रियल वेरी गुड एंड मिस्टर मैथ्यू इंसान है ना पर्सनल शाप बास क्या बात है तो गुड्स आए गए परचेस किया तो आए और मिस्टर मैथ्यू पर्सनल अकाउंट से इज डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गि शाप बास वेरी गुड तो मिस्टर मैथ्यू ने गुड्स दिए या लिए दिए ही इज द गिवर दैट मीन्स मिस्टर मैथ्यू को हम लोग क्या करेंगे क्रेडिट ओके वेरी गुड फर्स्ट इफेक्ट फॉर गुड्स इज डेबिट एंड फॉर मिस्टर मैथ्यू इट्स क्रेडिट क्लियर पेड वेजेस रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड पेड किया क्या पेड किया देंगे. सीधी बात है. दिखता है बट कैश दिखता है तो वेजिस रियल पर्सनल नॉमिनल नॉमिनल वे कैश रियल वेजेस दिया ना तो इनकम या एक्सपेंस है एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस तो वेजेस अपना इनकम या एक्सपेंस है एक्सपेंस यानी वेजेस को हम क्या करेंगे डेबिट और कैश को हम क्या करेंगे क्रेडिट आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन टिल नाउ शैल वी मूव ऑन ट्रांजैक्शन नंबर 4 आया ना हां यस तो ट्रांजैक्शन नंबर 4 गुड्स सोल्ड ऑन कैश ओके यू आर सेलिंग गुड्स ऑन कैश तो व्हाट आर द टू अकाउंट्स वी आर हैविंग अगेन गुड्स एंड कैश तो गुड्स आया गया बेचा सेल्स सेल्स यानी बेचा गुड्स आया गया गया शाबाश वेरी गुड वेरी लॉजिकल राइट एंड कैश आया तो so, गुड्स को डेबिट या क्रेडिट गुड्स दिखता है छू सकते हैं यानी रियल रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट माल गया तो so, गुड्स को क्या करेंगे क्रेडिट यानी कि सेल्स को क्रेडिट और कैश को हम क्या करेंगे डेबिट क्योंकि कैश आया वेरी गुड ऑन द अदर हैंड ट्रांजेक्शन नंबर फाइव वॉट डज इट से गुड्स सोल्ड टू मिस्टर जॉन ऑन रुपीज वन लैक गुड्स सोल्ड टू मिस्टर जॉन मिस्टर जॉन को माल बेचा पैसा आया क्या सर नहीं पता दिया है क्या उन्होंने एन कैश रिसीव नहीं सो इन दैट केस वी हैव टू एज्यूम के दिस परचेज और दिस सेल्स विल बी ऑन क्रेडिट वेन ओनली नीम इज गिवन ओके क्लियर नाउ द टू थिंग्स इन्वॉल्व आर गुड्स एंड मिस्टर जॉन शाहबाज्स रियल पर्सनल नॉमिनल रियल क्या सर एक ही सवाल बार बार पूछते हो चौथी बार आया गुड्स क्या है रियल वेरी गुड एंड मिस्टर जॉन पर्सनल यू आर सेलिंग गुड्स टू मिस्टर जॉन तो जॉन रिसीवर या गिवर रिसीवर और गुड्स गोज आउट बराबर तो गुड्स को हम लोग क्या करेंगे क्रेडिट और जॉन को क्या कर देंगे डेबिट वेरी गुड ट्रांजेक्शन नंबर सिक्स रेंट पेड रुपीज फाइव थाउजेंड रेंट पेड रेंट पे क्या रेंट दिखता है क्या नहीं घर दिखता है लेकिन घर का भाड़ा नहीं दिखता ऑफिस का रेंट नहीं दिखता बिल्डिंग का रेंट नहीं दिखता मशीनरी का रेंट नहीं दिखता यू जस्ट सी द कैश विच इज गोइंग आउट राइट तो कैश गोज आउट वाई इट इज गोइंग आउट फॉर रेंट तो इट इज इनकम और एक्सपेंस पेड है ना पेड यानि एक्सपेंस है राइट तो रेंट को हम लोग क्या कर देंगे डेबिट क्योंकि हमारा नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है

तो मशीनरी अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट बिकॉज बैंक विल बी द गिवर ट्रांजेक्शन नंबर नाइन कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर जॉन सर कितना अमाउंट इन रॉन्ग क्वेश्चन लगता है तुम लोग को ना ट्रांजेक्शन नंबर फाइव क्या था गुड सोल्ड टू मिस्टर जॉन रुपीज वन लैख राइट तो एक लाख का माल जॉन को बेचा तो जॉन कितना देगा बाई डिफॉल्ट वन लैख नो डाउट तो वन लैख कैश कम्स इन और गोज आउट कम्स इन एंड जॉन पर्सन अकाउंट इज द गिवर शाह तो कैश अकाउंट डेबिट एंड जॉन अकाउंट क्रेडिट क्लियर पक्का सबको समझ में आ रहा है वेरी गुड आखिरी थ्री ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन नंबर टेन कैश पेड टू मिस्टर मैथ्यू 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 से क्या किया था क्या किया था अच्छा परचेस किया था ट्रांजेक्शन नंबर टू में देखो ध्यान से मिला ओके गुड गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर मैथ्यू रुपीज एटी थाउजेंड तो अभी जो मैथ्यू को पैसा कितना देंगे हम लोग 80 ही देंगे सीधी बात है किसी का पैसा खाना बुरी बात है राइट right? धंधा करो तो ईमानदारी से वी शुड लर्न लॉयल्टी वी वी शुड शुड लर्न सिंसियरिटी इन इन द बिजनेस एंड बी प्रॉम्प्ट लॉयस थाउजेंड पेड टू मिस्टर नॉमिनल रियल वेरी गुड तो कैश तो तो आया गया, गया. किसके पास

रियल एंड कमीशन दिखा गया नहीं कैश क्यों आया कमीशन के लिए आया राइट सो कैश इज माई रियल अकाउंट कैश कम्स इन सो कैश अकाउंट डेबिट एंड कमीशन के लिए आया तो कमीशन इज माई इनकम और एक्सपेंस इनकम वेरी गुड तो इनकम को हम लोग क्या करते हैं क्रेडिट करेक्ट सो कमीशन को क्रेडिट बस आज के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट ही समझने हैं टूमोर आई विल अपलोड द एंट्रीज ऑन द ब्लैक बोर्ड of this transaction so that you will understand how and what are we supposed to write clear so thanks for the day and be safe be home take care of yourself your family members and the society too be united clear Chalo. good night okay.